नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। वेलकम टू द बड़ा भारत शो। ये हमारा दूसरा सीजन चल रहा है, ट्रिब्यूट टू इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। आज एक महान डॉक्टर से मिलवाएंगे, आपको काफ़ी सारी नॉलेज देंगे। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं। जो आज हमारे मेहमान हैं, लाखों को मिला इनसे समाधान है, आँखों का समाधान है। ये नज़रिया बदलने वालों से तो हमारी मुलाकात बहुत होती है बड़ा भारत में। आज मिलते हैं उनसे जिन्होंने ज़माने की नज़र को बदला है। ये नज़र को बदलने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। मैक्सिमम लेसिक प्रोसीजर कर चुके हैं दुनिया भर के अंदर, एक साल में 10,000 से ज़्यादा ये सर्जरीज कर चुके हैं। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि इन्होंने 1 मिनट 21 सेकंड में ही सर्जरी कर दी, फास्टेस्ट लेसिक सर्जरी का भी रिकॉर्ड ही अपने पास रखते हैं। डॉक्टर राहिल चौधरी इनका नाम है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑप्थोमोलॉजिस्ट एट I7 हॉस्पिटल। उम्र इनकी कम है, इरादों में इनके दम है। मिलते हैं 32 साल के डॉक्टर राहिल चौधरी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बिंद्रा जी फॉर दोज काइंड वर्ड्स एंड लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो। एंड बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। आई एम द बिगेस्ट फॉलोअर ऑफ यू ऑन यूट्यूब एंड आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं। आपने भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बना लिए, मैंने सुना 7-8 लाख, 8.5 लाख कितने सब्सक्राइबर्स हैं जी आपको फॉलो कर रहे हो, धीरे धीरे सब बनता जा रहा है। बट बिंद्रा जी, व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि ये चैनल तो मैंने ऐसी शौक के लिए खोला था, मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता था आंखों के बारे में। बट धीरे धीरे ज्यादा चैनल्स तो नहीं होंगे, आंखों के यूजुअली कम चैनल्स हैं और इस तरह के चैनल्स नहीं है जो पब्लिक को केटर करते हैं। यूजुअली साइंटिफिक चैनल्स हैं हमारे डॉक्टर्स के लिए। तो पहली बार इस तरह का चैनल एक बनाया था जहां पे मैं इन्फॉर्मेशन देता था पब्लिक को, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट आई, एंड इट बिकेम सो पॉपुलर। लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई कि नाउ वी हैव पीपल, जो एक गांव का इंसान है जिसको ये पता भी नहीं था कि उसकी आंख का इलाज हो सकता है, उसकी रोशनी वापस आ सकती है, आज वो भी अपना ट्रीटमेंट करा के अपनी आंखों की रोशनी वापस ला रहा है। डॉक्टर राहिल, मैं शुरू करना चाहता हूँ आपके साथ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, आपने कितनी सर्जरी करी एक दिन में? वेल, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 250 पेशेंट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एंड बिंद्रा जी, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कोई प्लान नहीं था, वो मैं एक हफ्ते की छुट्टी पे था एंड उस टाइम पे कई सारे बच्चों के ये मेडिकल्स आ रहे थे। तो कई सारे बच्चे अपने गवर्नमेंट मेडिकल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस हो गया, SSC, JD, CPO, रेलवेज हो गया। तो इन सब मेडिकल्स में चश्मा अलाउड नहीं है और उसको हटाने के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं अपने ऑपरेशन कराने के लिए। तो मैं एक हफ्ते की छुट्टी पे था, उस टाइम पे बच्चों के मेडिकल्स थे, तो बाय चांस इतने सारे पेशेंट्स एक बार इकट्ठे हो गए। तो हमने कहा फिर ठीक है, एक इंटरनेशनल हाथों से आपने 250 सर्जरीज करी है। नहीं, अकेले 250 करना सर्जरीज तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक पूरी टीम थी 6 डॉक्टर्स की, जिनके साथ मिलके हमने इस रिकॉर्ड को अचीव करा। 250 मतलब फटफट फटफट फटफट, कोई रिस्क, कोई डर नहीं लगा आपको? बिंद्रा जी, डर तो नहीं लगा, बिकॉज अब ये रोज का काम है तो एक तरह से स्पाइनल लेवल पे सर्जरीज हो जाती है। अगर आपने 10 घंटा भी लगातार काम किया, मतलब 25 सर्जरी पर आवर का मतलब हो गया आपने लगभग 2 मिनट में एक सर्जरी कर दी। बिंद्रा जी, जो सर्जरीज हैं दिस इज यूजुअली 5 to 10 मिनट्स एंड 6 डॉक्टर्स की टीम के साथ विद 3 मशीन्स वी कुड एग्जीक्यूट इतने सारे लोगों को इकट्ठा ऑपरेट करना। सो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट आल्सो। एक ना वो फिल्मों में आंखों पे बहुत गाने बनते हैं, तेरे मस्त मस्त दो नैन और मेरे दिल करे गए चैन। तो हमारे पास जो ये खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए जो 2 खिड़कियां बनी है, उसका ख्याल कैसे रखें? मतलब कुछ डूज एंड डोंट्स अगर आप बता सके कि क्या 5 चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। तो करणीय और अकरणीय पर शास्त्रों में भी चर्चा की जाती है। और आप हमारे को बता सके अगर आंखों के विषय में, आज एक कॉमन मैन जिसको चश्मा नहीं भी लगा है, उसके लिए कुछ अगर आप इन्फॉर्मेशन दें। देखिए, आंखों को लेकर बिंद्रा जी काफ़ी सारी लोगों के मन में मिथ्स होती हैं। अक्सर लोगों को लगता है, लोगों ने सुना होता है कि अगर आंखें कमज़ोर है तो गाजर खाना शुरू कर दो, हरी सब्जियां खाना शुरू कर दो, आंखों का योगा करना शुरू कर दो। कुछ लोग मसाज कर लेते हैं, कुछ लोग नाखून घिसना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग अपनी आंखों में घी, दूध, गुलाब जल डाल लेते हैं, शहद डाल लेते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। अगर आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है या आंख में चश्मे का नंबर है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज कराना है। ये जो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, सेल्फ मेडिकेशन चल रही है ना, कि आंख में प्रॉब्लम हुई, फार्मेसी में चले गए, फार्मासिस्ट ने कोई भी ड्रॉप दे दिया, उस ड्रॉप में स्टेरॉयड है क्या है आपको पता नहीं, वो डाल लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम ठीक होने की जगह और खराब हो जाती है। हेल्दी डाइट मेंटेन करो। अगर बैलेंस डाइट मेंटेन कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग से आप दूर हो, तो बॉडी अगर ओवरऑल हेल्दी है तो आंखें भी हेल्दी हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मैं ये देखता हूँ, स्पेशली जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा, स्क्रीन, मोबाइल पे, वो क्या करते हैं, हर 2-3 घंटे में आंखों में छपके मारना शुरू कर देते हैं पानी के, कि भाई आंख साफ रहेगी, आंख गीली रहेगी, ड्राइनेस नहीं होगी। ये भी बहुत ख़राब आदत है। तो इससे हमारे आंखों के नेचुरल ऑयल्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं और बहुत मेजर प्रॉब्लम आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम बन सकती है, फिर बंदा पूरी लाइफ परेशान रहता है, उसको ड्रॉप्स डालनी पड़ती है। सो माय ओनली सजेशन इज कि आंख में प्रॉब्लम है,
खुद कुछ नहीं करना, विजिट अ डॉक्टर, प्रॉपर चेक कराओ एंड डॉक्टर जैसा बोले वैसा आप उसको फॉलो करो। ये जो लैपटॉप वालों की आपने बात करी, हमारे ऑफिस में भी लोग बहुत यूज़ करते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया कोविड के बाद से, ज़्यादा बढ़ गया, सुबह आँख खुलते ही फ़ोन चाहिए और फ़ोन देखते देखते ही नींद आती है। और इसमें एक मैंने एक बात सुनी है, मैं ज़रा चेक करना चाहता हूँ आपसे, कि 12-14 दफ़ा नॉर्मली हमारी जो आईलिड हैं वो ब्लिंक करती हैं, लेकिन जब हम स्क्रीन यूज़ करते हैं तो 5-7 दफ़ा रह जाता है वो, तो इससे आँखों को मैंने सुना कि और स्ट्रेन होता है और इससे वो हर्ट भी होती हैं, पीपल फील वेरी टायर्ड और वॉटरी हो जाती हैं आईज। और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं इसको लेकर के आज भारत में। कहते तो हैं कि भाई स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो, पर वो हो नहीं सकता है, वो रहेगा। अब तो ये संसार ऐसा है कि और बढ़ेगा, वी आर इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल, तो ये कनेक्टेड वर्ल्ड है। बच्चों को अब स्कूल में लैपटॉप लेके जाना नेसेसरी है सभी को, मतलब अब ये बेसिक सी चीज़ हो गई है, टैबलेट पे और लैपटॉप पे पढ़ाई करना। तो ऐसे केस में कुछ अगर आप बताना चाहते हैं कि क्या किया जाए, स्क्रीन टाइम रिड्यूस नहीं हो सकता तो क्या करें? बिंद्रा जी देखिए, लॉन्ग एक्सपोजर टू स्क्रीन से मेनली 3-4 प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आँख में चश्मे का नंबर चढ़ जाता है, स्पेशली उन लोगों में जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जो बच्चे हैं, और अगर वो लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आँख में माइनस का नंबर आ जाएगा। तो पेरेंट्स को तो हम सलाह देते हैं, अगर आपका बच्चा 18 साल से ऊपर है तो थोड़ा सा आपको लिमिट कराना ही पड़ेगा, आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाइए, सन एक्सपोजर हुई है। और जो मेन प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म स्क्रीन से आती है, दैट इज़ डिजिटल आई स्ट्रेन, कि आप लंबे समय तक स्क्रीन पे बैठे हैं, आंखें ब्लिंक कम कर रही हैं, आंखें लुब्रिकेट नहीं हो रही, आंखें ड्राई हो रही हैं, और उससे आगे जाके आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम, सिर दर्द की प्रॉब्लम, आंखों में दर्द की प्रॉब्लम, ये तरह से प्रॉब्लम बन सकती है। प्लस जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकल रही है उससे आपकी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। तो अल्टीमेटली हम स्क्रीन को नहीं छोड़ सकते एज यू राइटली सेड, बट वी कैन टेक सम प्रिकॉशंस। बेसिक प्रिकॉशन लीजिए, आधे घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा आंखों को झपकिए, दूर की तरफ देखिए, थोड़ा सा हाथ मसाज करके आंखों को रिलैक्स करिए, एंड एक बेसिक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप जैसे रिफ्रेश, टीयर्स, स्टेन, अल्ट्रा, इस तरह की मार्केट में आती है, उनको दिन में 4-5 बार यूज़ करिए एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल। बट फिर भी अगर डिसकम्फर्ट हो रहा है देन यू मस्ट विजिट एन आई डॉक्टर। आप ऑपरेशन करते हैं, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है क्या कि भाई कितने नंबर तक कर सकते हो, किस नंबर तक का ऑपरेशन कर चुके हो? यार इतने नंबर तक का तो मैं भी संभाल लेता हूँ। आपके ब्रांड का नाम i7 है, तो कितने आपने हॉस्पिटल अभी बना लिए, क्या आपका एक्सपेंशन प्लान है, कैसे कर रहे हैं? कुछ गरीब लोगों के लिए आप प्लान कर रहे हैं कि हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकें, या आप केवल अमीरों का इलाज करते हैं? आपसे डॉक्टर राहिल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लेजिक ऑपरेशन की जब बात होती है तो आम आदमी को लगता है कि भाई इसका प्राइस भी 80,000 से 1,00,000 होता है, ऐसे लोग जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो क्या कोई गवर्नमेंट स्कीम चल रही है इसको लेकर के? कहते हैं कि ना आजकल अपनी लुक्स पे सबका बहुत ध्यान है, लेकिन जो अपनी लुक यानी कि आंखों पे लोगों का ध्यान नहीं रहता। फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, मैं भी करता हूँ एक्सरसाइज, जिम, डाइट, योगा खूब बात करते हैं, लेकिन आई केयर को लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल हर दूसरे आदमी को चश्मा लग रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में तो 30 साल में इंडिया विल बी द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और मेरे ख्याल है लगभग हर आदमी को चश्मा लगने लग जाएगा। तो अपनी दृष्टि को लेकर लोग इतने दृष्टिहीन क्यों हो जाते हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वेल बिंद्रा जी, 30 साल में नहीं, वी आर ऑलरेडी द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा ब्लाइंड लोग या अंधापन के शिकार लोग हैं, और उसका जो रीज़न है उसको कहते हैं हम कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद। एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है जिसमें आंख के अंदर का लेंस सफ़ेद हो जाता है, और 10 मिनट के ऑपरेशन से उसको ठीक करके इंसान को रोशनी वापस दे सकते हैं। 10 मिनट के ऑपरेशन के बाद वो सीधा देख सकता है या सीधा बंद रखता है? आज ऑपरेशन हुआ, कल से बंदे की विजन पूरी वापस आ जाती है। बट हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, टोटल आई डॉक्टर्स हमारे देश में करीब 30,000 हैं, हमें चाहिए 1.5 लाख डॉक्टर्स, फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है, इसकी वजह से हम लोग ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन के रह गए। मैंने तो ये सुना है कि 5 लाख से ज़्यादा लेजिक ऑपरेशंस होते हैं इंडिया में हर साल, और चश्मे को हटाने की बात करते हैं तो लोग सलाह भी आजकल ले देते हैं कि भाई लेज़र करवा लो या लेसिक करवा लो। उसमें भी एक लेसिक होता है, एक स्माइल होता है, कॉन्टोरा विजन होता है, कई प्रकार से होता है। तो आपकी क्या स्पेशलिटी है, और एक आम आदमी चश्मा पहनता है उसे कैसे पता चले कि उसके लिए कौन सा ऑपरेशन ठीक है? चश्मा हटाने के अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं। चश्मा हटाने के ऑपरेशन शुरू हुए एक टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं लेसिक, लेकिन लेसिक का पुराना हो गया, 15-20 साल पुराना हो गया।
लेसिक के बाद एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है स्माइल, वो भी अब 7 साल पुरानी हो गई। और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई चश्मा हटाने की, उसको हम लोग कहते हैं कंट्यूरा विजन। और बिंद्रा जी, ये इतनी बढ़िया फर्क है, तीनों थोड़ा सा फर्क है, बट कंट्यूरा विजन इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि जो आपकी नेचुरल विजन है 6x6 की विजन जो होती है एक नॉर्मल इंसान की, अगर हम कंट्यूरा से उसका चश्मा हटाएं तो उसकी विजन 6x5 हो जाती है। एक सुपर विजन मिलती है, सुपर नेचुरल विजन, मतलब एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा देख सकता है इस टेक्नोलॉजी के हेल्प की वजह से। तो जब ये आप ऑपरेशन करते हैं, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है क्या कि भाई कितने नंबर तक कर सकते हो, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते, इतने नंबर तक ऑपरेशन हो सकता है? और आपने भी मतलब किस नंबर तक का ऑपरेशन कर चुके हो, यार इतने नंबर तक का तो मैं भी संभाल लेता हूँ। बिंदा जी देखिए, आज की टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग आधे नंबर से लेके 30-30 तक का नंबर -30 वाले लोग भी होते हैं इस दुनिया में, अक्सर हमें पता नहीं होता। -2 -4 पे तो हालत खराब हो जाती है। लोगों को अक्सर ये लगता है कि चश्मे का नंबर कितना हो सकता है, 4 होगा 5 होगा 7 होगा 10 होगा, लेकिन -30 वाले लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। उनका सर्जरी से हो जाएगा इलाज, सर्जरी से चश्मा हट जाता है। तो यूजुअली 8 नंबर का चश्मा हम लोग लेजर से हटा देते हैं, जैसे कंट्यूरा से हटा दिया, और 8 नंबर से लेके 30 तक का चश्मा एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं ICL, जिसमें आंख में एक लेंस डाल के चश्मे को हटाया जा सकता। तो ऐसी मेरे को एक स्टोरी भी ध्यान आ रही है कि एक लड़की थी, गाँव में रहती थी, -30 के चश्मे का नंबर। अब वो चश्मा बेचारी पहन नहीं पा रही, चश्मा पहने तो लोग उसको चश्मे डबल बैटरी बोलें, और चश्मा हटाए तो एक तरह से इंसान ब्लाइंड है, -30 के नंबर को तो सामने वाला कौन बैठा उसकी शक्ल भी नहीं दिखती। तो वो आई हमारे पास बहुत डिप्रेस्ड, शादी नहीं हो रही थी, क्या करें क्या ना करें, और उसका हमने ICL करके चश्मा हटाया एंड उसकी लाइफ चेंज हो गई, सब कुछ देख सकती है, शादी भी हो गई और अक्सर मिलने आती है, अभी तक वो थैंकफुल है। सो दैट इज द सैटिस्फैक्शन एंड प्लेजर दैट आई गेट अपने काम को लेकर। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम सबको अपने आंखों का डोनेशन, नेत्र दान जरूर करना चाहिए। देखिए, हमारी मृत्यु के बाद हमारी आंखों का कोई रोल नहीं है, और अगर आप इन आंखों को डोनेट कर देंगे, दान कर देंगे, तो आपकी आंखों से 2 अंधे लोगों को रोशनी मिल सकती है। वाह, तो ये हम सबको क्या प्रक्रिया है इसकी? बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप गूगल पे जाएंगे आपको नियरेस्ट आई बैंक का नंबर मिल जाएगा, वहां पे बस आप अपना नाम रजिस्टर कर दीजिए, जैसी डेथ होती है आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, और डेथ के मिनिमम 2 से 3 घंटे में डोनेशन हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो जो कॉर्निया होता है या आंख जो होती है वो खराब हो जाती है। बट एवरीबडी शुड प्लेज टू डोनेट, एटलीस्ट इतना तो हम कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। आपके ब्रांड का नाम I7 है, तो कितने आपने हॉस्पिटल अभी बना लिए, क्या आपका एक्सपेंशन प्लान है, कैसे कर रहे हैं? कुछ गरीब लोगों के लिए आप प्लान कर रहे हैं कि हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकें, या आप केवल अमीरों का इलाज करते हैं? आपका बिजनेस मॉडल क्या है? नहीं, इलाज की ज़रूरत सबको है, उसमें कोई गरीब या अमीर नहीं होता, बट ऑफकोर्स प्राइवेट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ा तो सर्जरी का कॉस्ट गवर्नमेंट से ज़्यादा होता है, बिकॉज हॉस्पिटल के अपने इतने एक्सपेंसेस होते हैं, बट वी स्टिल ट्राई CSR एक्टिविटीज़ में सोशल सर्विस करना, कैंप्स लगाना, लोगों के फ्री इलाज करना, इनफैक्ट फ्री चश्मा हटाने के इलाज भी हम काफ़ी लोगों के कर चुके हैं। तो ऐसी बिंद्रा जी, एक लड़की थी, गांव की लड़की थी, उसको पता लगा कि सोनू सूद जी जो बहुत ही पॉपुलर एक्टर है एंड सोशल सर्विस भी करते हैं, उसको पता लगा कि अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो ही इज़ हेल्पिंग। कोविड के टाइम पर उन्होंने बहुत हेल्प करा। सो दैट गर्ल अप्रोच्ड सोनू सूद जी कि मेरे को चश्मा हटवाना है, मेरी शादी नहीं हो रही, प्लीज़ ट्राई टू हेल्प मी। एंड सोनू सूद जी की टीम ने हमें कॉन्टैक्ट करा एंड देन वी इन्वाइटेड दैट गर्ल, फिर उसका फ्री में ऑपरेशन करा। तो इस तरह के थोड़ा करते रहते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। आपसे डॉक्टर राहिल, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लेजिक ऑपरेशन की जब बात होती है तो आम आदमी को लगता है कि भाई इसकी इसका प्राइस भी 80,000 से 1,00,000 होता है, तो ऐसे लोग जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो क्या कोई गवर्नमेंट स्कीम चल रही है इसको लेकर के? वेल, देखिए बिंद्रा जी, ये जो सारे ऑपरेशन है चश्मा हटाने के, उसमें लेसिक हो गया, स्माइल हो गया, कंट्यूरा हो गया, या जैसे मैंने आपसे ICL की बात करी जहाँ पे आँख में लेंस डाल के हटाया जाता है, ये सारे ऑपरेशन जो हैं ये कॉस्मेटिक की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इसमें हम लोग कहते हैं कि चश्मा पहनना कोई बीमारी तो है नहीं, तो इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलता है। एग्जैक्टली, तो आप चश्मा हटवा रहे हैं अच्छा दिखने के लिए या अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। तो यूजुअली इंश्योरेंस, गवर्नमेंट पैनल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, आयुष्मान भारत, इन सबको कवर नहीं करती है। बट हाँ, अगर आपके चश्मे का नंबर हाई है, मान लो 7-8 से ऊपर है, तो चश्मा आपके लिए एक हैंडीकैप बना हुआ है, विजुअली हैंडीकैप हो जाता है अगर आप चश्मा हटा दें, ऐसे कंडीशंस में इंश्योरेंस कवर दे देती है। लेकिन ऑफकोर्स ये जो इलाज है ये ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, एम्स को अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सब कॉस्मेटिक सर्जरीज अवेलेबल नहीं होती, तो ऑफकोर्स आपको प्राइवेट में जाना पड़ता है, वहाँ पर इलाज ऑफकोर्स थोड़ा सा तो महंगा होगा ही।
लेकिन प्राइवेट्स भी आजकल ईएमआई की फैसिलिटीज देते हैं, आपके ऊपर एकदम बर्डन नहीं आता, 12 महीने में 18 महीने में पे कर दो, सो इट इज मैनेजेबल, मतलब इतना बर्डन नहीं है अगर आप उसको कराना चाहते हैं तो। आई थिंक लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे अब ध्यान देना चाहिए, अब वो समय आ चुका है। मैं डॉक्टर अरविंद लाल हमारे प्रोफेसर है, वो ही बोलते हैं कि भाई आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे अब ध्यान दें, और अपने बीमारी आ जाने के बाद, बढ़ जाने के बाद चेक करने से अच्छा है कि उसके बारे में उस पर पहले से ही लेकर के उसको थोड़ी परवाह करें, उसके बारे में सीखें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा डॉक्टर राहिल के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जाइएगा, और इन्होंने न जाने कितने लोगों को सही रास्ता दिखाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और हम लोग अक्सर में ऐसा होता है कि आँखों को लेकर के हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, पर आपसे मिलने के बाद मैं दर्शकों से एक कहूँगा कि जब भी सवाल आँखों की केयर के विषय में होना चाहिए तो उनको डॉक्टर राहिल के यूट्यूब चैनल की तो कम से कम याद आनी चाहिए। आप ऐसे ही लोगों की नज़र ठीक करते रहें, रिकॉर्ड बनाते रहें, हम यही दुआ करेंगे कि डॉक्टर राहिल आपके इस नज़र के सफ़र को किसी की नज़र ना लग जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई जिसको भी इसकी जानकारी चाहिए उसको ज़रूर ये वीडियो पहुँचाइए वहाँ तक, और नीचे ज़रूर कमेंट करिए कि बड़ा भारत में आप और किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं, किनसे मिलना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग लेकर के आ रहे हैं आपके साथ में, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाए, भारत से एक विश्व रिकॉर्ड बना, कितनी बड़ी बात है। तो कमेंट बॉक्स में आपके आके पढ़ूंगा किनसे आप मिलना चाहेंगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बड़ा भारत के इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राहिल आपका विशेष धन्यवाद।